नमस्कार छात्रों, आज हम उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज की तरफ से आज आपको कहानी की परिभाषा बताएंगे और उसके बाद कहानी कला के तत्वों को बताएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी की परिभाषा विविध विद्वानों ने अलग अलग दी है, जिनमें से कुछ मुख्य दो विद्वानों की परिभाषाएं हमने ली हैं। पहला एडगर एलन पो के अनुसार कहानी क्या है वो हम जानते हैं। वो बताते हैं एडगर एलन पो कि कहानी वह छोटी आख्यानक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सके, जो पाठक पर समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न जो अपने आप में पूर्ण हो। अर्थात इनकी परिभाषा का मूल सारांश ये है कि कहानी वह है जिसे हम एक बैठक में पढ़ सकें और जो पाठक के मन मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव डालती हो और जो व्यक्ति में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो और जो व्यक्ति के जीवन पर थोड़ा थोड़ा अवश्य प्रभावी हो, ताकि व्यक्ति का जीवन परिवर्तित हो सके। तो उसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे कलाकार हैं, ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने कि हिंदी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कहानियां लिखने का गौरव प्राप्त किया है। वो कहानी की तीन परिभाषाएं देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक परिभाषा नियुक्त की है। देखिए वो प्रेमचंद बताते हैं कि कहानी ध्रुपद की वह कांड है जिसमें गायक मैथिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है। अर्थात जो कहानीकार है, जैसे ही कहानी शुरू होती है वह पाठक के ऊपर अपना प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर देती है, फिर इसके बाद एक क्षण में चित्त को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनने से भी नहीं हो सकता। अर्थात कहानी वह है जो रात भर हमें गाना सुनने पर जो आनंद नहीं प्राप्त होगा। अर्थात नाटक जैसे हम देखते हैं तो पूरी रात हम नाटक देखते रहे या फिल्में देखते रहे, जो प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा वह कुछ ही क्षणों में 10 मिनट 5 मिनट में कहानी यदि हम पढ़ लेते हैं तो वो प्रभाव हमें मिल जाता है, वो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। ऐसी परिभाषा मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं। मूल रूप से हम कह सकते हैं कि कहानी वह है जो जीवन के किसी विशेष अंग को लेकर पाठक के मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन उत्पन्न करती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं कहानी कला के तत्व। तो कहानी कला के मुख्य जो तत्व होते हैं उसे हम आपसे बताएंगे। उससे पूर्व आप कहानी के बारे में कुछ चीजें समझ चुके होंगे, ऐसी मेरी आशा है। कहानी कला के जो तत्व है, जैसे हम कहानी लिख रहे हैं तो अभी तक तो हम जो कहानियां पढ़ते आए, हमने बचपन में जो कहानियां पढ़ी थी वो चमत्कार उत्पन्न करने के लिए कहानियां थी, वो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने वाली कहानियां थी। लेकिन जब हम बीए के पाठ्यक्रम में या एमए के पाठ्यक्रम में कहानियों को पढ़ते हैं तो वहाँ हमारा कहानियां पढ़ने का उद्देश्य बहुत ही विशेष ढंग का होता है, क्योंकि यहाँ हम धीरे धीरे लेखक बनने की ओर अग्रसर होते हैं यदि हम साहित्यिक विषयों को लेकर पढ़ रहे हों। तो किन किन बातों की आवश्यकता होती है कहानी में, वो हमें समझने की आवश्यकता है। तत्व का अर्थ ये होता है कि मूल संवेदना अर्थात क्या होती है। अर्थात यदि हम कहानी लिखना चाहें या कहानी हमने पढ़ी है तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कहानियों में आवश्यक हो सकती है, अर्थात जिनके माध्यम से पूरी कहानी की रचना गढ़ी गई होती है। तो सबसे पहले देखिए, मुख्य रूप से आलोचकों ने कहानी कला के 6 तत्व निर्धारित किए हैं, जिन्हें कथा वस्तु, दूसरा है पात्र और चरित्र चित्रण, तीसरा जो कहानी का तत्व है वो है कथोकथन या संवाद,
कथा वस्तु वह होती है जिस विशेष अंश को लेकर किसी व्यक्ति के जीवन की विशेष घटना का वर्णन किया गया हो। जैसे मान लीजिए यदि हम जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी देखते हैं तो उसमें बाबू नंबू सिंह के जीवन के एक विशेष अंग को लेकर पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। उसी तरह से मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन को यदि हम ले लेते हैं तो कफन में भी घीसू और माधव के निकम्मेपन को लेकर मुंशी प्रेमचंद तत्कालीन समय की व्यवस्था को उजागर करते हुए प्रतीत होते हैं। अगर उसी हिसाब से हम अन्य कहानियां मुंशी प्रेमचंद जी की जैसे पंच परमेश्वर इत्यादि को ले लेते हैं तो इसी तरह से वो भी आता है कि कथा वस्तु वह होती है जिसमें किसी विशेष घटना का रोचक ढंग से वर्णन किया गया है जो पाठक के जीवन पर प्रभाव डालती हो, जो पाठक के जीवन पर विशेष ढंग का चमत्कार उत्पन्न करने वाली हो। कथा वस्तु वह होती है। अब हम एक और परिभाषा आपको कथा वस्तु की बताना चाहेंगे कि कथा वस्तु वह होती है जिस पर कहानी की नींव रखी गई होती है। जिस तरह से हमने देखा है कि मकान बनता है तो मकान की जो नींव होती है वो मजबूत बनाई जाती है, उसी तरह से कहानी में यदि कथा वस्तु न हो अर्थात कहानी की नींव मजबूत न हो तो वह कहानी श्रेष्ठ कहानी नहीं कही जा सकती। तो कहानी के लिए सबसे पहला आवश्यक जो तत्व है वो एक कथा वस्तु का होना अनिवार्य है। दूसरा तत्व है कथा वस्तु हमें मिल गई, हमने रचना कर दी, लेकिन यदि उसमें विशेष ढंग के पात्र न हो तो कहानी बहुत रोचक हमें नहीं प्रतीत होगी, कहानी अच्छी नहीं होगी, कहानी विशेष ढंग की नहीं होगी, कहानी पात्र के जीवन पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो दूसरा जो कहानी कला का तत्व है वो है पात्र और चरित्र चित्रण, अर्थात विशेष ढंग के पात्र होने चाहिए। वैसे तो पात्र और चरित्र चित्रण का प्रभाव नाटकों पर विशेष ढंग से होता है किंतु कहानी में भी पात्रों का होना अनिवार्य है, भले कम से कम पात्र हो या कम से कम पात्र हो और उनके चरित्र का चरित्रांकन विस्तृत ढंग से न किया गया हो, लेकिन जो भी पात्र हो उनके चरित्र पर एक समुचित जीवन रेखा का चित्रण किया गया हो। तो छात्रों दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि कहानी में पात्रों का होना अनिवार्य है और चरित्र चित्रण का होना भी अनिवार्य है। अब जैसे मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ कि पात्र कैसे होने चाहिए। यदि हम कहानी लिख रहे हैं कथा वस्तु, यदि हम गांव का लिख रहे हैं तो गांव की कथा वस्तु के पात्र उसी ढंग के होने चाहिए जिस ढंग की भाषा शैली गांव के लोग बोलते हैं। पात्रों का अब जैसे पात्र वह होता है जिनका चरित्र चित्रण हम कर रहे हैं वो उसी जो कहानी का नायक है वो उसी बिंदु को लेकर चलना चाहिए, कहानी का जो प्रतिनायक है वो प्रतिनायक की प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रवृत्ति आनी चाहिए कहानी के दूसरे मुख्य तत्व पात्र और चरित्र चित्रण में। मुख्य रूप से छात्रों कहानी में अधिकतम पात्र नहीं होने चाहिए, 10 से यदि अधिक पात्र होंगे तो वह कहानी कहानी नहीं रह जाएगी, वह छोटे बालक से लेकर बड़े व्यक्ति तक समझ में आने वाली कहानी नहीं होगी। इसलिए छात्रों हमें यह ध्यान देना होगा कि यदि हम कहानी लिखने जा रहे हैं तो उसके पात्र विशेष ढंग के हों और उनका चरित्र चित्रण भी उसी ढंग का किया गया है। जैसे मान लीजिए यदि हम मजदूर वर्ग का पात्र ले रहे हैं तो उसका चरित्र चित्रण हमें अंग्रेजी उससे नहीं बुलवाना है, यदि वह मजदूर है तो उसकी जो भाषा हो वो देसी हो और ठेठपन लिए हुए हो और उसका चरित्र पूरी तरह से पात्र पर विशेष ढंग से हस्तांतरित होना चाहिए, अर्थात पात्र को पढ़ने के बाद यदि पाठक उस कहानी को पढ़ रहा हो तो पात्रों को देखकर वह समझ जाए कि हाँ यह किस समय की कहानी है अर्थात यह किस बात को कहना चाहती है ये कहानी। तीसरा अब इसके बाद पात्र और चरित्र चित्रण हो गया, कथा वस्तु एक हमने विशेष ढंग की कथा वस्तु ले ली, पात्र
उत्पन्न पड़ती है। यदि ये बात कहानी में ना हो, ऊपर के दो तत्व हो, तो कहानी रोचक नहीं होगी। अब जैसे यदि पूरी कहानी हमने लिख दी और कहीं डायलॉग्स नहीं है, तो वो कहानी श्रेष्ठ कहानी नहीं कही जाएगी। अब जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप कहानी पढ़ते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में बीच बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुख्य डायलॉग्स आ ही जाता है, कोई ना कोई मुख्य संवाद आ ही जाता है। लेकिन यदि हम जैनेन्द्र युग की कहानियों को देखें तो जैनेन्द्र को छोड़ करके अन्य जो कहानीकार हैं उनकी कहानियां अत्यंत रोचक नहीं बन पड़ी हैं और कहानियां उतनी चर्चित नहीं हो पाई हैं जितनी चर्चित कहानियां मुंशी प्रेमचंद की, प्रसाद की कहानियां होती हैं। तो तीसरा जो प्रमुख तत्व है वो कथोपकथन या संवाद है। कहानी में कथा वस्तु विशेष ढंग की हो, पात्र और उनका चरित्रांकन अच्छे से किया हो, संवाद भी बहुत अच्छा हो। तो छात्रों, देश काल और वातावरण बहुत ही आवश्यक तत्व है। देश काल और वातावरण के बारे में हम तब परिचित हो पाते हैं जब हमें ये पता चलता है कि कथा वस्तु अच्छी है, पात्र और उनका चित्रण अच्छे से किया गया है, कथोपकथन उन्होंने अच्छे अच्छे वक्तव्य भी दे दिए हैं पात्रों ने। लेकिन छात्रों, यदि ऊपर के तीनों तत्व हो गए हैं और उनमें इन पर कहानीकार ने इन परिस्थितियों का सही से चरित्रांकन नहीं किया है तो कहानी देखने में झूठी प्रतीत होगी, कहानी बनावटी प्रतीत होगी। तो यदि हम इसका उदाहरण लेना चाहें तो देखिए, देश काल से तात्पर्य ये है कि यदि जो पात्र है यदि शहर में निवास करता है तो शहर की परिस्थितियां वहां होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में जैसे शहर में इन्वर्टर होता है, बिजली आती है और इसके अलावा सड़कें बहुत अच्छी होती हैं, भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, इस तरह की परिस्थिति का चित्रण किया गया है। और अगर हम गांव का चित्रण कर रहे हैं तो गांवों के चित्रण में पगडंडियां होनी चाहिए, कच्चे मकान होने चाहिए, उनकी भाषा देसी भाषा होनी चाहिए, कहीं कहीं उसमें बनावटीपन होना चाहिए। अर्थात यदि कोई पात्र ऐसा है जो गांव में निवास किया फिर उसके बाद वो शहर जाता है, शहर से यदि वो आए तो उसकी भाषा में दोनों का मेल होना चाहिए, अर्थात देश काल और वातावरण का विशेष ढंग से चित्रण हो। वातावरण से तात्पर्य यह है कि वहां के अगल बगल में रहने वाले लोगों की परिस्थितियां, वातावरण अर्थात अगर गांव हो तो गांव में ठंडी सुहावनी हवा चलनी चाहिए और गांव हो तो गांव में चौपाले होनी चाहिए, मुखिया जी का चित्रण होना चाहिए या जो भी पात्र हैं कहानी के उनमें कहीं ना कहीं गांव की परिस्थिति का चित्रण हो। जैसे गांव में मर्यादा के लिए लोग अपने आप को समर्पित करते हैं, तो छात्रों यदि आप गांव की कहानी पढ़ रहे हैं या गांव की कहानी लिखने जा रहे हैं तो इस बात का आकलन अवश्य करें कि क्या गांव की कहानी है तो उसमें बड़े बुजुर्गों का कहना माना गया है कि नहीं, पिता के आदर्शों का पालन हुआ है कि नहीं, चरित्रहीनता का चित्रण बिल्कुल भी नहीं होता है गांव की कहानियों में। यदि शहर की कहानियां आप लिख रहे हैं तो शहर की कहानियों में या शहर की कहानियां हमने पढ़ी और हमें ये पता लगाना है कि क्या ये कहानी बहुत अच्छी थी, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि देश काल और वातावरण कैसा है। अर्थात शहर का इलाका है तो जैसे मैंने पूर्व में चर्चा की कि गाड़ियां भीड़ भाड़ वाला इलाका होना चाहिए, बहुत सारे लोग होने चाहिए, एक दूसरे से आपसी संवाद उतना ना होना चाहिए जितना कि गांवों में होता है। और गांवों के जो लोग होते हैं गांव में चौपाले होनी चाहिए, चाचा दादा काका इत्यादि का चित्रण किया गया हो। अब यदि हम गांव की कहानियां लिख रहे हैं और देश काल तो सही है, वातावरण सही नहीं है। वातावरण की चर्चा यदि हम करें, यदि गांव का रहने वाला एक मजदूर है, अनपढ़ व्यक्ति है और
सही नहीं होगी। पात्र क्या उसमें रुचि लेगा? बिल्कुल नहीं रुचि लेगा, वो कहानी हमें अच्छी नहीं लगेगी। एक बस पहली की बैठक में मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया कि पहली की बैठक में जो चमत्कार उत्पन्न करे और यदि देश काल और वातावरण का चित्रण सही ढंग से लेखक ने नहीं किया है तो ये परिस्थितियां कहानी को रोचक नहीं बनाएंगी। जैसे यदि हम देश ऊपर की चारों परिस्थितियों का चित्रण देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में, प्रसाद जी की कहानियों में या गुलेरी जी की कहानियों में, फिर इसके बाद जैनेन्द्र जी की कहानियों में या आधुनिक युग के कहानीकारों में बहुत विशेष ढंग से इन बातों का चित्रण पाते हैं। और जो लेखक या कवि इन चारों परिस्थितियों का चित्रांकन अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो वो कहानी एक श्रेष्ठ कहानी नहीं होती, वह धीरे धीरे समय बीतने के साथ समाप्त प्राय हो जाती है। अब अगला जो तत्व है, पांचवा जो मुख्य तत्व है कहानी का, वो भाषा से ही, भाषा से ही कहानी की क्षमता का पता हमें चलता है और शैली के माध्यम से ही जितनी ही प्रभावोत्पादक शैली होगी कहानीकार उतना ही श्रेष्ठ होता चला जाएगा। अभी जैसे पूर्व में देश काल और वातावरण के संदर्भ में मैंने ये बताया था कि पात्र जैसा हो उसी तरह का के वातावरण का चित्रांकन किया गया हो, भाषा शैली में भी हूबहू यही बात आती है कि भाषा जो हो यदि अनपढ़ है तो उसकी भाषा में गवारोपन होना चाहिए, पढ़ा लिखा है तो उसकी भाषा शुद्ध साहित्यिक होनी चाहिए। यदि पात्र कंप्यूटर इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करने वाला है तो उसकी भाषा में अंग्रेजीपन अधिक होना चाहिए। यदि पात्र राजा कोई है तो राजा की तरह उसकी भाषा होनी चाहिए। अब जैसे राजा है तो राजा कभी गिड़गिड़ाता नहीं है, यदि कहानी की भाषा शैली में राजा की गिड़गिड़ाने की बात आती है तो वो कहानी बहुत रोचक नहीं होगी, दीर्घकाल तक वो कहानी जीवित नहीं रहेगी। अर्थात भाषा शैली का भी ध्यान यदि देगा लेखक तभी वह कहानी एक श्रेष्ठ कहानी के रूप में परिणत हो पाएगी। अंतिम जो तत्व है उद्देश्य, जैसा कि कहा गया है कि बिना कारण के मूर्ख भी किसी कार्य में नहीं प्रवृत्त होता, तो यदि कहानीकार कहानी लिख रहा है तो उसके अंदर ये भावना अवश्य होनी चाहिए कि उसके कहानी लिखने का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन कहानी एक श्रेष्ठ कहानी नहीं हो सकती है, एक अच्छी कहानी नहीं हो सकती है। बिना उद्देश्य के यदि कहानीकार कहानी लिखता है तो उस कहानी का कोई औचित्य नहीं होता, इसलिए कहानी का एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मुंशी प्रेमचंद की अधिकांश कहानियां गरीब मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं और उससे पूर्व के कई कहानीकारों ने हमेशा कहानियों में अपने कहानियों का नायक एक श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न व्यक्ति को बनाया है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने गरीब मजदूर वर्ग के पात्र को कहानी का नायक बनाकर कहानी में नया प्रयोग किया और उस उद्देश्य की पूर्ति की, जो गरीबों के साथ शोषण हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय को उजागर करने का प्रयास मुंशी प्रेमचंद जी ने किया। अतः यह कहानी कला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व उद्देश्य है, अर्थात बिना उद्देश्य के कहानी एक श्रेष्ठ कहानी नहीं हो सकती। अतः यदि हम कहानी पढ़ रहे हैं तो कहानी में उद्देश्य का होना अत्यंत ही अनिवार्य है। तो छात्रों, उद्देश्य ही कहानी का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, बिना उद्देश्य के कहानी श्रेष्ठ कहानी नहीं हो सकती है, कहानी अपनी गरिमा को जीवित नहीं कर सकती है। अर्थात ये जो ऊपर के छह तत्व हैं वो कहानी को अत्यंत श्रेष्ठ बनाने में आवश्यक होते हैं। फिर अंतिम जो कुछ आलोचकों ने ये कहा है कि कहानी का शीर्षक भी कहानी में होना अनिवार्य है, जैसा कि महावीर प्रसाद त्रिवेदी ने कहा था कि बिना शीर्षक के, यदि वो कहते हैं कि बिना शीर्षक के मैं कोई भी रचना नहीं कर पाता हूँ, यदि कोई मुझे केवल शीर्षक बताता जाए तो मैं कहानियां या अन्य रचनाएं
छात्रों कहानी जो हो, कहानी में शीर्षक का होना अत्यंत ही अनिवार्य है। शीर्षक से तात्पर्य ये है कि कहानी की जो मूल भावना अर्थात कहानी की का जो नाम है वो बहुत आकर्षक होना चाहिए। कहानी का नाम ही ये निर्धारित करता है कि कहानी कैसी है, कहानी सफल है या असफल है, कथा वस्तु अद्भुत ढंग की हो, पात्र और चरित्र चित्रण श्रेष्ठ हो, कथोपकथन या संवाद अच्छा हो, देश काल और वातावरण का चित्रण लेखक ने श्रेष्ठ ढंग से किया हो, भाषा शैली बहुत ही अच्छी हो, उद्देश्य कहानी का बहुत ही अच्छा हो। यदि शीर्षक कहानी का अच्छे से नहीं रखा गया है तो यह देखा गया है कि पाठक शीर्षक को देखकर कहानियां पढ़ना पसंद करता है। हम देखते हैं कि जो हमारे श्रेष्ठ कहानीकार हैं उन्होंने कहानी का शीर्षक बहुत ही विशेष ढंग का रखा। जैसे अब जयशंकर प्रसाद जी की एक कहानी है जो काशी का चित्रण करते हुए अंग्रेजों के शोषण की दशा और दिशा को निर्धारित करती है कि अंग्रेज किस तरह से हम भारतीयों को अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए हैं। यदि हम अंग्रेजों के मन मुताबिक काम नहीं करते हैं तो वो हमें देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिसे देखकर जयशंकर प्रसाद जी ने तत्कालीन समय में काशी को संदर्भ में लेकर एक कहानी लिखी जिसका नाम उन्होंने गुंडा रखा। अब जैसे ही हमने उस गुंडा शीर्षक को पढ़ा तुरंत हम उस कहानी को पढ़ने के लिए अग्रसर होते चले गए। यदि इस कहानी का शीर्षक अंग्रेजों का शोषण होता तो क्या हम वो आज पढ़ते? आज के समय में तो बिल्कुल भी कम मात्रा में पढ़ते। जितनी रोचकता से गुंडा शीर्षक कहानी दी गई है और हम उस कहानी को पढ़ते हैं, अगर उस कहानी का शीर्षक यदि गुंडा के अलावा दूसरा कुछ होता तो उस रोचकता से कहानी को पढ़ने के लिए हम अग्रसर न होते। उसी तरह से जैनेन्द्र जी की पत्नी कहानी है। अब जैसे उन्होंने पत्नी कहानी दी तो जितने भी पाठक हैं तुरंत वो ये देखते हैं कि आखिर इसे देखा जाए इसके अंदर क्या है। अर्थात शीर्षक जो होता है वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि कहानी को पढ़ा जाए अथवा न पढ़ा जाए। तो ये सभी सातों तत्व कहानी के मूल तत्व स्वीकारे जा चुके हैं। तो छात्रों आप अब आज से आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना होगा कि कहानी की परिभाषा क्या है, कहानी कला के कितने तत्व होते हैं। यदि अगर आपको भूलना है तो कोई एक छोटा सा टॉपिक बना लीजिए। यदि आप याद करना चाहते हैं कि कहानी कला के तत्व कौन कौन से होते हैं और आपको याद नहीं हो रहा तो डायरेक्टली हम सीधे सीधे आगे के एक एक अक्षर को ले लेते हैं। पूरी कहानी के आगे के एक एक अक्षर को ले लेते हैं और इस तरह से देखते हैं। यदि हमें यह नहीं याद आ रहा है कि कहानी कला के कितने तत्व होते हैं तो हम केवल कहानी कला के तत्वों के क्रम के आधार पर केवल एक एक अक्षर को ले लेंगे और उसे आसानी से याद कर लेंगे। जैसे पूछा गया कहानी कला के तत्व कौन कौन से होते हैं तो कपाक देवभावी ऐसा आप कह सकते हैं कि कपाक देवभावी। यदि आपके पास कोई ट्रिक हो, इससे भी सरल ट्रिक हो तो अवश्य मुझे कमेंट में बताएं। और अगर आप इसे सरलतम रूप में पढ़ना चाहें तो केवल यही है कि पूछा गया कहानी कला के तत्व क से कथा वस्तु, पा से पात्र और चरित्र चित्रण, क से कथोपकथन और संवाद, दे से देश काल और वातावरण, भा से भाषा शैली, ऊ से उद्देश्य, सी से शीर्षक। अर्थात कहानी में मुख्य रूप से सात तत्वों का होना अत्यंत ही अनिवार्य है। यदि ये सातों तत्व कहानी में नहीं होते हैं तो कहानी एक श्रेष्ठ कहानी नहीं बन सकती है, कहानी एक अच्छी कहानी नहीं बन सकती है, कहानी एक आकर्षक कहानी नहीं बन सकती है, कहानी दीर्घकाल तक जीवित नहीं रह सकती है। तो यदि आप
कर रहा है। तो हमारे अंदर ये निराशा होती है, हम उस व्यक्ति के प्रति हीन भावना का व्यवहार करने लगते हैं, जबकि हम ये नहीं जानते हैं कि वर्तमान समय में रोजगार के सर्वाधिक अवसर आपको इसी से प्राप्त होते हैं। बिना हिंदी के आप एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर फिल्म यदि बनती है तो फिल्म की समीक्षा आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? पढ़ी है। और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि फिल्म में भी एक कहानी होती है और उस फिल्म का आकलन करना आज से आप बिल्कुल अच्छे ढंग से सीख जाएंगे कि उसमें वह फिल्म की उस फिल्म की कहानी कैसी है, वह कहानी सफल होगी या असफल। हमने ये देखा है कि फिल्म आती नहीं है या फिल्म जैसे ही आई पहले दिन रिलीज हुई उसी दिन समीक्षक ये कह देंगे कि यह सुपर डुपर हिट होगी या फ्लॉप होगी। वो ये नहीं देखते वो कैसे जान जाते हैं, भविष्यवेत्ता कैसे बन जाते हैं, केवल उन्हीं आधारों की वो गणना कर लेते हैं कि आखिरकार वो इन तत्वों का यदि इन तत्वों की यदि उस कहानी में अनिवार्यता है, यदि ये तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान है तो वह उस फिल्म की समीक्षा पहले ही कर लेंगे कि यह फिल्म सर्वाधिक हिट होगी। यदि इन तत्वों की कमी है तो तुरंत ही वो बता देते हैं कि यह फिल्म अच्छे से हिट नहीं होगी। तो छात्रों आप हिंदी विषय से आज से एक समीक्षक बन सकते हैं किसी भी कहानी का, चाहे वो फिल्मों की कहानियां हो, चाहे आप रेडियो देखते हैं तो रेडियो में रेडियो रूपक आता है या एक हवा महल आता है 8 बजे रात के आसपास, तो उस समय जो कहानियां आती हैं उसमें आप ये देखेंगे कि ये सातों तत्व मिल रहे हैं कि नहीं। यदि मिल रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छे आपको लगेंगे और यदि नहीं मिल रहे हैं तो वो अच्छे आपको नहीं लगेंगे। तो छात्रों आज हमने इन विषयों को पढ़ा। आगे आप जो पढ़ना चाहते हैं उर्मिला देवी डिग्री कॉलेज में, बीए में यदि आप हैं तो कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं?